स्वागत है भाई आपका फिर से धर्म पत्नी के एक और एपिसोड के रिव्यू में, जिसको आज हम बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं बोल सकते। इसको हम आज बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भाई एक कॉमेडी शो था, बल्कि आज का जो एपिसोड था वो बहुत ज्यादा अच्छा बेहतरीन था। और आज के एपिसोड में जो डायलॉग्स, जो एक्टिंग थी वो काफी अच्छी थी। मैं मेनली बात कर रहा हूँ फरमान खान, ठीक है, रवि की जो मम्मी बनी है वो, रवि के पापा जो बने हैं वो, और प्रतीक्षा की भी। सीरियसली मुझे प्रतीक्षा की साइड से ये उम्मीद नहीं थी कि प्रतीक्षा की साइड से जो आज एक्सप्रेशंस देखने को मिले, जिस तरीके से सब कुछ देखने को मिला, ऐसा सच में मिल सकता है। क्योंकि मैंने होप छोड़ दी थी कि भाई शायद कृतिका सिंह इतने अच्छी तरीके से कोई सैड रोल नहीं कर पाएंगे, कोई इतना ज़्यादा मतलब टेंस रोल होगा वहाँ पे, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं कर पाते, हम लोग देख चुके पास में, तो मुझे लगा था कि शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आज के एपिसोड में मैं कहूंगा कि भाई ओवर एक्टिंग भाई सिर्फ दो लोगों की लगी, वो भी एपिसोड के स्टार्टिंग में ही, उसके बाद भाई कहीं पर भी मुझे ओवर एक्टिंग नहीं देखने को मिली, सब कुछ नेचुरल था। फरमान खान का जो रवि था वो भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब सब चीज़ें मैनेज कर रहा था, रवि की मम्मी ने भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की चीज़ें, रवि के पापा ने भी बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें की, और कहीं पर भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि यार ओवर एक्टिंग हुई। सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक लगी, सब चीज़ें बिल्कुल ऐसा लगा कि सच में यार हमारे साथ ऐसा होता है। अगर हमारी कभी मम्मी के साथ बहस हो जाती है तो हमारी मम्मी सेम इसी तरीके से रिएक्ट करती है, और हम लोग इसी तरीके से मनाते हैं, हाँ सब कुछ है, मतलब सेम है भाई, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि भाई डिफरेंट हो, ना भाई सब कुछ सेम है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ ओवर ड्रामेटिक नहीं है, सब कुछ रियली मतलब रियल रियलिटी से जुड़ा हुआ था, रियलिस्टिक था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। फरमान खान जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे थे वो ज़्यादा ओवर नहीं गया, और रवि की मम्मी जो कर रही थी वो भी ज़्यादा ओवर नहीं गया, बिल्कुल एक जिसे कहते नहीं कि लिमिट में, बिल्कुल सब चीज़ें लिमिट में गई। और मुझे ये चीज़ देख के अच्छी लगी कि चलो यार इतने लंबे टाइम बाद इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग का डोज मिलने के बाद एक तो ऐसा एपिसोड हमें देखने को मिला जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मतलब नेचुरल और रियल लगी। पर ना अभी तक जितने भी एपिसोड थे सब में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता था कि हम लोग देख के बोल सकते यार ओवर एक्टिंग हो रही है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है, आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो रिपीट हुई या फिर ओवर हुई, सब कुछ रियल था, सब कुछ पहली बार हुआ, सब कुछ नेचुरल लगा। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कृतिका सिंह ने प्रतीक्षा का जो रोल निभाया एंड में जिस तरीके से फामा सॉरी रवि के साथ कन्फ्रंटेशन किया, रवि से बातचीत की, रवि ने वहाँ पे अपनी आंखों में आंसू लिए, उसको मतलब एक हाथ मिला के बोला कि तुम्हारा जो प्लान था वो पूरा हो गया, जो फ्लैशबैक में प्रतीक्षा के दिमाग में जो चीज़ आई जो उसने बोली थी वो सब चीज़ें देखने को मिली, सेटिस्फैक्शन मिला मुझे कि चलो एक ऐसा पॉइंट तो मुझे देखने को मिला इतने लंबे टाइम बाद, जिसको देख के मैं बोलूँ कि यार वाओ मतलब क्या एक्टिंग की है प्रतीक्षा ने। कसम से कृतिका सिंह की यहाँ पे जो एक्टिंग थी वो टॉप नॉच थी, और मैं होप करता हूँ कि वो इस तरीके से अपनी एक्टिंग को मेंटेन करके रखे, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया कि कृतिका सिंह की काफ़ी जगहों पर जो एक्टिंग होती है भाई इतनी भयंकर तरीके से मतलब अमेजिंग होती है कि उसकी तारीफ करते करते मैं थक नहीं सकती, लेकिन काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है कि भाई वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि भाई मैं उसकी बुराई करते करते भी नहीं थक सकता। तो अब मैं बस ये होप करूंगा कृतिका सिंह जो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिली हैं प्रतीक्षा के रोल में, जिस तरीके से उन्होंने प्रतीक्षा का पूरा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक्सप्रेशंस दिए जो भी चीज़ की, वो देख के भाई कहीं ना कहीं मुझे बस अब एक होप दोबारा जाके कि वो अब पूरे के पूरे जब तक ये शो चल रहा है तब तक इसी तरीके से हमें नजर आए, कुछ ओवर ना जाए। अब भाई ओवर कौन गया भाई, ओवर भाई हमारे पूरे एपिसोड में सिर्फ दो ही लोग गए, काव्या और काव्या की मम्मी। अब उसमें भी भाई उनकी कोई गलती नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ अगर कोई ओवर एक्टिंग कर रहा हो भाई एक्ट्रेस की गलती नहीं है इस शो में, मैं मतलब बात कर रहा हूँ कहीं नहीं, क्योंकि जब एक चीज भाई मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, तो भाई वो सेम चीज बंदा करते करते थक जाता है भाई। कल के एपिसोड में देखा कि काव्या भाई प्रतीक्षा को ख़त्म करने की सोच रही थी, आज काव्या की मम्मी ने फिर भाई मतलब मुंह माँ बना बनू करने क्या क्या करके ओवर एक्टिंग करके बोला कि तुम ना जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स डाल दो रवि और प्रतीक्षा के बीच में, उससे वो दोनों अलग हो जाएंगे। भाई रवि की साइड से ये मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दो प्रतीक्षा के दिमाग में कि भाई वो क्रॉस कर रहा है मतलब प्रतीक्षा और मुझे दोनों को साथ में लेके चल रहा है, और रवि के दिमाग में प्रतीक्षा को लेकर गलतफहमी डाल दो कि वो ऐसी है वैसी है तो गलत काम कर रही है वो कर रही है, ये अब उसके दिमाग में प्लान आया है, डाला गया काव्या की मम्मी के
दिमाग से। अब देखने वाली चीज है कि भाई ये प्लान जो है वो कितना ज्यादा आगे जाता है, कैसे जाता है और क्या क्या होता है। बाकी लेट्स होप कि आज का जो एपिसोड था इसी तरीके के हमें एपिसोड आगे देखने को मिले। थोड़ी सी ओवर एक्टिंग चलती है, लेकिन ज्यादा ओवर एक्टिंग होना एपिसोड को बोरिंग बना देती है। बाकी भाई देखते हैं अब आगे क्या होता है क्या नहीं। तो होप तो मैंने कई बार ऐसे बनाई है, लेकिन सारी की सारी होप आखिर में टूट जाती है। इसलिए लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और क्या आपको भी लगता है कि हाँ ये शो अब कहीं ना कहीं एक रियल इमेज, एक रियल जो पर्सनैलिटी है कैरेक्टर्स की, एक्टर्स की, वो अब दिखा पाएगा या नहीं। या फिर जैसे अभी चल रहा था ओवर एक्टिंग का पूरा पूरा बवाल एपिसोड शो, वही ओवर एक्टिंग का ही चलता रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं। उसी तरीके की धर्मपत्नी के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट।